के मनपसंद चैनल 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। शुरका ने हर शोभा जिंदगी में बेहतर तर्जुमानी करने पर चैनल के मैनेजमेंट मालिकान और टीम को खिराज तहसीन पेश किया। अहवाल बर्मिंगम से आबिद काजमी और खावर राजा की रिपोर्ट में। यूके की कामयाबी का सफर जारी। दो साल के कलील अरसे में ये ओवरसीज का मकबूल तरीन चैनल बन चुका है। बरतानिया में 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह नगर नगर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी हवाले से बर्मिंगम स्टूडियो में भी पुरानक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डेप्यूटी काउंसलर जनरल सरदार खटक, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट पी मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, चेयरमैन कायद आजम ट्रस्ट राजा मोहम्मद इश्तियाक, काउंसलर जाकिरुल्लाह चौधरी, खातीम रहनुमा डॉक्टर निगहत इफ्तखार, जैनब खान, रुबाब मलिक, शहला गिल, नीलम असलम और दीगर सियासी व समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ सिंगर आमना सुल्तानी ने नातिया कलाम पेश किया। तो अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तो अता ही अता मैं खता ही खता, तो को जा मन को जा, कम्युनिटी रहनुमाओं ने 92 न्यूज यूके की दो साल कारकर्दगी पर जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था, सबके मनपसंद इस चैनल ने हमें अपने मुल्क के साथ जोड़े रखने में अहम किरदार अदा किया। विद इन टू इयर्स इतनी सारी सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्राइबर का होना, इसके मयार की, इनके प्रोग्राम्स की, इनके तजियों की मेरे ख्याल में अकासी करता है। और डेफिनेटली 92 न्यूज यूके एक मजीद बेहतर चैनल के तौर पे उभरा है। मसाइल के साथ आगाह रखने के लिए जिस तरह आप किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिले सद तहसीन है। जो 92 न्यूज है, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल बल्कि यहाँ की जितनी भी कम्युनिटी रहती है उनके मसाइल को हाईलाइट किया। जितने भी जो रिश्ते नाते हैं उनको खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है इस माशरे के अंदर और बैन मजाहब हम आहंगी के हवाले से भी 92 न्यूज का जो है बड़ा नुमाया किरदार दराता है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत अच्छी तब्दीलियां हैं और मेरी दुआ है कि 92 की सालगिरह हम ऐसे ही मनाते रहे। 92 न्यूज बरतानिया का, यूरोप का और पाकिस्तान का लीडिंग चैनल है। इसने मसला कश्मीर को आलू सतह पर उजागर किया है। 92 न्यूज को जो उनकी सेकंड एनिवर्सरी है उस पर मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आप लोगों ने जो पिछले दो साल बड़ी कामयाबी के साथ अपने जो मंजिल को पूरा किया है और आगे भी मैं दुआगो हूँ कि आने वाले सालों में आप इसी तरह जो है वो अपने काम को जो है वो दिन ब दिन जो है वो आगे लेके जाए। खुदा करे कि ये चैनल इसी तरह तरक्कियों की मंजिलें कामयाबी से तय करता हुआ ऊपर से ऊपर आगे से आगे बढ़ता जाए। आप सबको अल्लाह पाक और कामयाबियां दे और 92 doing mashallah so great and we all here with you to support you and you supporting us and our community. So well done to 92 and to you. सबसे पहले तो मैं 92 News UK को, उनकी पूरी टीम को और आबिद काजमी सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी और many congratulations on the second anniversary of this platform. और मीडिया के थ्रू ये जो कम्युनिटी के प्रोग्राम्स को हाईलाइट करें मैं समझती बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए आगे। जो 92 न्यूज है वो आज पांच बड़े चैनल में उसका शुमार हो रहा है, तो ये अवाम का जो एतमाद है 92 न्यूज के ऊपर। हम आज शुक्र अदा करते हैं कि कामयाबी के दो साल 92 न्यूज यूके ने जो गुजारे हैं, अल्लाह ताला इसको मजीद कामयाबियां। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह जो कम्युनिटी के मसाइल हैं बरतानिया में, चाहे कोई सी इश्यूज पे हो, NHS हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या कूड़ा क्रिकेट का कोई भी इशू हो, तो आप हाईलाइट करते हैं, तो मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। गामी तराने और तालियों की गूंज में 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया। शुरका की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद, फूलों के दस्ते और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तकरीब के आखिर में पीर तैयबुर रहमान ने चैनल की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। रिपोर्टिंग टीम खबर राजा के हमरा आबिद कासमी, 92 न्यूज बर्मिंगम।